मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वो इन राज्यों में हार को स्वीकार करते हैं। एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजालू तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को जारी मतगणना के मुताबिक भाजपा भारी बहुमत से मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की ओर बढ़ रही है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के करीब है। इन चुनाव में कांग्रेस के लिए राहत सिर्फ तेलंगाना से मिल रही है, जहां उसकी भारी बहुमत से सरकार बनाने की प्रबल संभावना है। तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस 10 सीट जीत चुकी है और 53 पर वो आगे है। इस प्रकार वो सत्ता के बेहद करीब है। सत्ताधारी भारत राष्ट्रीय समिति 6 सीट जीत चुकी है और 34 सीट पर आ गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 6 और 1 सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगे है।